तो फ्रेंड सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बैटरी ले रहा हूँ जो कि ओल्ड मोबाइल बैटरी है, बेकार। ठीक है, बेकार नहीं कह सकते, मतलब कि उस मोबाइल के लिए यूज़फुल में नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई पुरानी बैटरी पड़ी हो तो आप उसे यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए मैंने सब में कनेक्शन कर लिए हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, अब इससे हम एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। इसे आप बहुत ही अच्छे वर्क में से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप इससे कोई एलईडी जला सकते हो, कोई भी लाइट अदरवाइज जला सकते हो। ठीक है, चलिए इसके हम सबसे पहले कनेक्शन के ऊपर कर लेते हैं बात। कनेक्शन इसके हम कर लेते हैं, कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको इसका डायग्राम भी शो कर दूंगा। देखिए हमें क्या करना है, जो कि सबसे पहले हमारा बैटरी जो है, तो आपका जैसे मान लो फ्रेंड्स, आप क्या करोगे, जैसे आप सारा प्लस प्लस एक में और माइनस माइनस एक में अगर जोड़ देते हो तो आपको ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको आउटपुट उतना ही मिलेगा जितना कि एक बैटरी में आउटपुट होता है, 3.7 वोल्ट, जो कि एक बैटरी में इसका वोल्टेज दिखाता है। ठीक है, चाहे तो आप इसे मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लस प्लस माइनस माइनस में आपको नहीं जोड़ना है। आपको क्या करना है, जब ये प्लस का वायर है, ठीक है, सॉरी ये माइनस का जो आपका वायर है, ये आपको माइनस का इधर रखना है, प्लस का इधर। ठीक है, फिर जो आपका ये प्लस का है, ये वाइट वाला ये प्लस का मेरा, इसको प्लस के साथ से जोड़ देना है। ये देखिए प्लस, सॉरी माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह से आपको सारी बैटरी कनेक्शन कर देने हैं। तो जल्दी से हम इसे कनेक्शन कर लेते हैं। My attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, 'cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sundown to sundown, we mess around. Way to evolve now. कोई पैसा नहीं लगता है, तो फ्री की चीज़ है, कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो मैं भी नई वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 12 वोल्ट की बैटरी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम जल्दी से डब्बे में से सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ, पीवीसी का मेरे पर टुकड़ा पड़ा था वेस्ट, देख सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर दो एलईडी ला सकते हैं, मेरे पे एलईडी अभी अवेलेबल नहीं है, मार्केट खुलेगा तो मैं यहाँ पे लगा लूँगा। ठीक है, मैं इसे कनेक्शन बता दूँ कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे मेरे को होल्ड करना है, आई मीन मैंने होल्ड कर लिया है पहले से ही। यहाँ पे आपको चार्जिंग लगाना है। ठीक है, ये देख सकते हैं फीमेल सॉकेट है, ये आपको इसके अंदर लगा देना है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम सबको एक अच्छे से रस्सी या टेप की मदद से हमें अच्छे से बांध लेंगे। इसलिए मैंने जितना था मैंने एडजस्ट करके लगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अगर कनेक्शन समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसमें मुझे नो करके बताना और अपना रीज़न बताना, कुछ कोई दिक्कत आ रहा हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अभी इसे हम एक के ऊपर एक रख के बैटरी रख के इसे हम रस्सी की मदद से बांध लेंगे। तो चलिए जल्दी से हम बांध लेते। तो यहाँ पर एक मैंने पीवीसी का शीट लिया है जो कि देख सकते हो मेरे पे वेस्ट पड़े थे, मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, ये आपको अंदर के साइड से लेना है। देखिए, ठीक है, चाहे तो आप इसकी जगह कील भी यूज़ कर सकते हैं, कील ना मिले तो कोई इसकी जगह कोई तार या कुछ भी ले सकते हैं, पर वो लोहे का होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसे इस तरह से आपको सेट कर लेना है स्क्रू की मदद से। मैं फ्रेंड ये नहीं ये कहूँगा कि जैसे मेरे पे नया है, इसे मैंने परचेस किया मार्केट से, पर आप इसे परचेस मत करना। ठीक है, मेरे पे कील अवेलेबल नहीं था, मैंने ये लिया है। ठीक है,
ये जल्दी से हम इसे टाइट कर लेते हैं दोनों साइड से। अब आप कहोगे ये आपने दो तो लगा लिए, पीछे से टाइट हो गई, आप कहाँ लगाएंगे? तो चलिए वीडियो में भी देखते रहना, वीडियो को पूरा बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये है इसको हम इस तरह से इसमें फिक्स करेंगे, ठीक है। तो और मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से हमें इसको फिक्स करना है। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर से इसको इसमें डाल देंगे चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो देखिए इसे हमने फिक्स कर दिया, इससे हम जल्दी से इसको फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस बैटरी को हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपके प्लस माइनस वाले वायर हैं या आपके जो प्लस वाला वायर है ये आपको इस चार्जिंग के इसमें लगा लेना है, ठीक है, और जो माइनस का है वो इसमें लगा लेना है। फिर इन दोनों को इनमें अटैच कर देना है, ठीक है। तो मैंने अच्छे से फेविक्विक में से चिपका लिया है, देखिए बैटरी वगैरह ये इसका कनेक्शन आपको मैंने बता दी पहले ही, देखिए। अब इस बात आती है फिर टेस्टिंग, तो देखिए ये आपको यहाँ पे मैंने प्लस का आइकन लगा लिया, आपको हल्का सा दिखता होगा, ये देखिए, देखिए प्लस का है, ये माइनस का, ये देखिए आपको अच्छे से दिख नहीं होगा, तो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। ये 12 वोल्ट की एलईडी है फ्रेंड, देखिए बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है, देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। या तो फ्रेंड्स आप इसे कुछ भी चला सकते हैं, इसे अगर सर कहोगे आप सर इसे चार्ज कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका अगर लगता है आपको इससे चार्ज नहीं करेगा तो इससे चार्ज बहुत स्लो होगा, मैं आपको बता दूँ। जो आपके पास जो 12 वोल्ट का जो एडेप्टर होता है, जो कि मोबाइल का एडेप्टर नहीं है, जो कि एडेप्टर जो आप देखते हो डिश टीवी के साथ जो एडेप्टर आता है, ठीक है, वो एडेप्टर आप इसमें आपको दोनों टर्मिनल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस का वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का, जो कि आपका ये ज़्यादा आधे घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा ग्रो करती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। जो फ्रेंड्स मैंने बताए थे आपके दो स्क्रू हैं, वो स्क्रू आप में क्या करना है, वो आपको इस तरह से इसमें लगा देना है, जो कि तार बार बार इससे हिलेगा नहीं, इसे रोक के रखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इसलिए लगाया था।